नमस्कार। अभी तक हमने यादृच्छिक साजिशों को देखा था, यह समझा था कि यादृच्छिक साजिश किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब हम यादृच्छिक साजिशों का एक प्राकृतिक उदाहरण देखेंगे। हम यह देखेंगे कि किस प्रकार हम यादृच्छिक साजिशों का प्रयोग करते हैं एवं कौन सी ऐसी गणितीय एवं भौतिक प्रयोग हैं जहाँ पर हमें यादृच्छिक साजिशों की सहायता से हम बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं किसी भौतिक क्रियाकलापों के विषय में। एवं इसके लिए हम एक सरल उदाहरण देखते हैं। उदाहरण सरल है किंतु उसका गणितीय स्वरूप जैसा कि हम जानते हैं जटिल होता जाएगा। हम एक साधारण सी बात लेते हैं। मान लीजिए हम एक वस्तु की लंबाई ज्ञात करना मान लीजिए हम एक वस्तु की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। वह वस्तु यह पेन भी हो सकता है, वह किसी कमरे की लंबाई भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आप एक सुई से लेकर ग्रहों निश्चित रूप से आप एक ग्रह की लंबाई तो नहीं ज्ञात करेंगे, आप उससे दूरी ज्ञात करेंगे। किंतु यह एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जो कि किसी भी लंबाई के लिए सत्य हो सकती है। अब हम यह लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस लंबाई को मापने के लिए हम किसी यंत्र का प्रयोग करेंगे। लंबाई है तो लंबाई को मापने के लिए हम किसी यंत्र का प्रयोग करेंगे। अब वह मापक यंत्र हमारे अनुसार तो ठीक है, नहीं हमारी ओर से उसमें कोई त्रुटियां हैं। माप लेते समय हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, वह सब हम 11वीं कक्षा में भौतिक शास्त्र के प्रथम अध्याय में देख चुके हैं कि माप लेने में किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं एवं उनके क्या असर होते हैं। तो हमारे अनुसार तो ठीक है और लंबाई मापने की हमारी प्रणाली में भी कोई त्रुटि नहीं, कोई ज्ञात त्रुटि नहीं है। अर्थात न तो यंत्र में कोई ज्ञात त्रुटि है, यंत्र में नहीं मापन की हमारी प्रणाली में ना तो मापन की प्रणाली में कोई ज्ञात त्रुटि है ना यंत्र में कोई ज्ञात त्रुटि है। यहां पर ज्ञात एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि हमने यह देखा है कि सभी यंत्रों में एवं सभी प्रणालियों में कुछ ना कुछ ऐसी अज्ञात त्रुटियां होती हैं जिनके फलस्वरूप हमें एक ही वस्तु का माप अलग अलग समय पर अलग अलग मिलता है। वस्तु गर्मी से लंबी या सर्दी से छोटी नहीं होती, उसका हम एक ही वस्तु को बार बार मापेंगे। आपने 11वीं कक्षा में वर्नियर कैलिपर के प्रयोग में देखा होगा कि आपका एक ही वस्तु का माप अलग अलग समय पर अलग अलग आता है एवं आप उसका औसत करते हैं। उसी प्रकार से वह ऐसी त्रुटि है जो जिसके विषय में हम जानते नहीं हैं तो उसे हम अभी के लिए अज्ञात त्रुटि कह देते हैं कि एक त्रुटि है, एक यादृच्छिक त्रुटि है, एक यादृच्छिकता है उस माप में। इस सबके होते हुए भी उस माप
यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर रहती ही है, उसमें एक यादृच्छिक त्रुटि अथवा रैंडम एरर तो रहेगा ही, यह हम जानते हैं, हम भौतिक शास्त्र में इसे विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं, किंतु वहाँ पर हमने त्रुटि को एक यादृच्छिक चर के रूप में नहीं देखा था। यहाँ पर अंतर यह है कि हम इस त्रुटि को एक यादृच्छिक चर के रूप में देखेंगे। अब यदि किसी वस्तु का वास्तविक माप a है, तब हम इस यादृच्छिक त्रुटि को समाहित करते हुए यह कह सकते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया माप x बराबर a जमा v होगा, जहां x हमारे द्वारा लिया गया माप है एवं v यादृच्छिक त्रुटि है, जिसे हम यादृच्छिक चर द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं एवं एक यादृच्छिक चर के द्वारा हम इस त्रुटि के सांख्यिकीय गुणधर्म समझ सकते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि हमने यह माना है कि न तो उस यंत्र में कोई ज्ञात त्रुटि है, न ही हमारी प्रणाली में कोई ज्ञात त्रुटि है। इन दोनों ज्ञात त्रुटियों के न होने का अर्थ यह है कि यह जो यादृच्छिक चर v है, इसका मध्यमान, यदि यह पूर्ण रूप से यादृच्छिक है तब इसका मध्यमान, क्योंकि त्रुटि का मध्यमान शून्य होता है, अर्थात v का मध्यमान शून्य होगा, अर्थात x का मध्यमान a होगा। यह अब यदि हम यह कहते हैं कि v का प्रसरण सिग्मा वर्ग है, तब हम चेबिशेव असमिका का प्रयोग करके दर्शा सकते हैं प्रायिकता बराबर है, यह चेबिशेव असमिका ही है, अर्थात हमारे द्वारा लिए गए माप में त्रुटि का परिमाण एप्सिलॉन से अधिक होने की प्रायिकता से कम होने की प्रायिकता, क्षमा कीजिएगा, कम होने की प्रायिकता से इस संख्या से अधिक है, अर्थात सरल शब्दों में हमारे द्वारा लिया गया माप माइनस एप्सिलन से ए प्लस एप्सिलन के बीच प्रायिकता
से, अर्थात यह प्रायिकता इस संख्या से अधिक है। अब यदि सिग्मा वर्ग छोटा है तब किसी भी एप्सिलॉन के लिए हम यह कह सकते हैं कि लगभग निश्चित रूप से प्राय हमारे द्वारा लिया गया माप वास्तविक माप के बहुत पास है। यह हम सरलतापूर्वक कह सकते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए माप और वास्तविक माप में इससे अधिक अंतर नहीं होगा, इस एप्सिलॉन से अधिक अंतर नहीं होगा, यह हम बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। जब त्रुटि का प्रसरण छोटा है तब हमारे पास पर्याप्त आत्मविश्वास होगा कि हम कह सकते हैं कि मुख्यतः आपका वास्तविक माप इससे एप्सिलॉन कम अथवा अधिक प्रायिकता के साथ होगा, यह कहना सरल है। किंतु एक बड़ा किंतु, यदि यह प्रसरण अधिक है तब, यदि यह प्रसरण अधिक है एवं कितना अधिक है, मान लीजिए प्रसरण ऐसा है कि सिग्मा ए के आसपास ही है, यदि इतना है तो आप 5 सेंटीमीटर की छड़ी में यदि आप कहें कि इससे 2 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर अधिक भी हो सकती है, अथवा मुख्यतः हम यह देख सकते हैं कि यह सिग्मा कितना छोटा होगा, हम यह देख सकते हैं कि यह सिग्मा हमें यह बताता है कि हम एप्सिलॉन के विषय में कितना आत्मविश्वास रख सकते हैं। सिग्मा हमें बताता है एप्सिलॉन के विषय में हम कितना आत्मविश्वास रख सकते हैं। यदि हम यह कहें कि सिग्मा छोटा है हम 1 सेंटीमीटर का एप्सिलॉन ले सकते हैं, सिग्मा बड़ा है एप्सिलॉन 1 मीटर हो सकता है, आप सिग्मा को और छोटा कर दीजिए आप उसी प्रायिकता के साथ 1 मिलीमीटर का एप्सिलॉन ले सकते हैं। अर्थात जो आपके माप की परिशुद्धता है, जो उसकी एक्यूरेसी है, वह कितनी है, वह हमें सिग्मा एवं एप्सिलॉन का माप का सापेक्ष माप, सिग्मा के सापेक्ष एप्सिलॉन कितना है एवं एप्सिलॉन के सापेक्ष सिग्मा कितना है, इससे पता चलेगा। अब मान लीजिए सिग्मा बड़ा है तब आपने उसमें एप्सिलॉन का माप देखा, आप 5 सेंटीमीटर की छड़ी मापना चाहते हैं उसमें आपका एप्सिलॉन 2 सेंटीमीटर है, 40%, आप यही नहीं जानते वह जिस छड़ी को आपने 5 सेंटीमीटर का मापा था वह 7 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, दोगुने से भी अधिक, यह तो अच्छी बात नहीं है। आपने यह देखा होगा कि जब आप किसी वस्तु का भार तोलते हैं तो भार तोलने की मशीन पर लिखा रहता है एप्सिलॉन, आपका जो माप है वह इतने ग्राम तक सत्य होगा, यह 10 ग्राम तक परिशुद्ध है, 5 ग्राम तक परिशुद्ध है, 50 ग्राम तक परिशुद्ध है, वह मुख्यतः इसी बात को इंगित करता है कि उसका यह एप्सिलॉन कितना है। अब आप एक ऐसी मशीन, भार तोलने की ही यदि बात करें, यदि एक ऐसी मशीन जिस पर आप सब्जियां तोलते हैं, आप आलू प्याज यह सब तोल कर लाते हैं, मैं 5 किलो आलू लेता हूँ अथवा मैं 2 किलो आलू लेता हूँ, उसमें 10 ग्राम आलू अधिक आ जाए, 10 ग्राम आलू कम आ जाए, उससे मुझे उतना अंतर नहीं पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि उस मशीन की परिशुद्धता 10 ग्राम परिशुद्धता अथवा 10 ग्राम से कम परिशुद्धता वाली मशीन चलेगी, हमारा काम ऐसी मशीन कर देगी जहाँ कि मैं 1 किलो आलू लूँ अथवा 2 किलो आलू लूँ उसमें 10 ग्राम का अंतर आ जाए, मुझे उसका अंतर नहीं पड़ेगा। किंतु यदि उसी मशीन पर मैं सोना तोलने लग जाऊँ, हम सब जानते हैं 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या होता है, एप्सिलॉन 10 ग्राम सोने का मूल्य बहुत अंतर डालेगा। तो इसी प्रकार यह परिशुद्धता, यह एप्सिलॉन एवं यह सिग्मा हमें यह बताता है, क्षमा कीजिएगा एप्सिलॉन नहीं सिग्मा, सिग्मा हमें यह बताता है कि हम कितनी परिशुद्धता प्राप्त कर सकते हैं एवं कितने आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा माप ठीक श्रेणी में आता है।
अब प्रश्न यह है कि मेरे पास एक यंत्र है जिस पर मैं कुछ मापना चाहता हूं। मुझे इस यंत्र द्वारा जनित यादृच्छिक त्रुटि का प्रसरण भी ज्ञात है। मुझे इस यंत्र द्वारा जनित यादृच्छिक त्रुटि का प्रसरण भी ज्ञात है। क्या मैं इसी यंत्र का प्रयोग करके अपने माप की परिशुद्धता बढ़ा सकता हूँ? क्या हम उसी यंत्र का प्रयोग करके माप की परिशुद्धता बढ़ा सकते हैं? यह प्रश्न है। एवं इस प्रश्न का उत्तर हम अनजान रूप से कई बार दे चुके हैं। हम यह देख चुके हैं कि यदि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसकी परिशुद्धता हमें ज्ञात है एवं हम उससे किसी वस्तु को मापना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमारे पास अलग अलग गणनाएँ आती हैं, अलग अलग संख्याएँ आती हैं, अलग अलग एक ही वस्तु को उसी वर्नियर कैलिपर से अलग अलग बार माप कर हम क्या करते हैं? हम उनका औसत लेते हैं। यदि हम एक प्रयोगशाला में जी का मान ज्ञात करना चाहते हैं, हम एक पेंडुलम को बार बार हिलाते हैं, उसका समय निकालते हैं एवं उससे बार बार औसत करके हम निकालते हैं कि जी का मान 9.8 है। तो मैं यह कहूँ, यदि इसका सरल सा उत्तर है औसत, हम औसत करके अपने परीक्षण अथवा माप की परिशुद्धता बढ़ा सकते हैं। हम औसत करके अपने परीक्षण अथवा माप की परिशुद्धता बढ़ा सकते हैं। अब अगला प्रश्न यह है, कितनी बढ़ा सकते हैं? इसके लिए अब हम कुछ गणितीय सूत्र ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु का माप n बार लेते हैं, किसी वस्तु का माप n बार लेते हैं, सभी मापों में त्रुटि स्वतंत्र समरस बंटित है एवं उसका मध्यमान शून्य है। सभी मापों में त्रुटि स्वतंत्र समरस बंटित है एवं उसका मध्यमान शून्य है। अब हम आईवें माप को इस प्रकार लिख सकते हैं, xi बराबर है a जमा pi, जहां VI हमारी त्रुटि है जिसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अब यदि मैं एक सादृश्य परिभाषित करूं A, जिसके सभी A हैं, यह एक सादृश्य है।
यह एक यादृच्छिक सादिश है जिसके घटक स्वतंत्र एवं समरूप बंटित हैं, एवं इसके रूप में मैं लिख सकता हूँ x बराबर सादिश x बराबर है सादिश a जमा सादिश b। यह अब औसत को परिभाषित करते हुए x की औसत को हम इस सादिश के घटक यादृच्छिक चरों की के फलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। y बराबर है x औसत, औसत x बराबर है 1/n जोड़ i जाएगा 1 से n xi। अब y यह देख सकते हैं यह यादृच्छिक चरों का एक फलन है एवं स्वयं एक यादृच्छिक चर है। यह xi मध्यमान xi से भिन्न है जो कि केवल xi के लिए परिभाषित है एवं उसके द्वारा धारण किए जा सकने वाले सभी मानों का भारित समाकलन। यहां xi जो भी मान धारण कर सकता था उन सब का समाकलन है। यह औसत से अलग है। xi अनगिनत मान धारण कर सकता है, उन सभी का भारित समाकलन xi का मध्यमान कहलाता है। औसत जो xi हमारे द्वारा मापे गए हैं, जो xi हमारे द्वारा देखे गए हैं, उनके जोड़ का एक फलन है अथवा उनके जोड़ को उनकी कुल संख्या से भाग करने पर जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह उसका औसत होता है। इसलिए औसत एवं मध्यमान दो अलग अलग वस्तु हैं। औसत एक यादृच्छिक चर है, मध्यमान एक निर्धारणात्मक संख्या अथवा एक निर्धारणात्मक चर है। यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब y बराबर है बटे n जोड़ i 1 से n xi। यह अब y का मध्यमान ज्ञात करते हुए हम यह देखते हैं अर्थात यह y का मध्यमान xi के मध्यमान अर्थात a के बराबर है जो कि x के समान है। यह सरल था। अब हम हमारी रुचि प्रसरण में थी। हमने जब यह चर्चा आरंभ की थी तब हम ये चाहते थे कि हमारे द्वारा ज्ञात किए गए माप का प्रसरण कम से कम हो। इसीलिए अब हमारे पास जो अंत में माप आया है, औसत लेकर जो माप आया है, वह y है। हम y का प्रसरण जानना चाहते हैं। y का प्रसरण जानने के लिए
के लिए ये वाई में उपस्थित त्रुटि का प्रसरण जानना का प्रसरण जानने के लिए y में उपस्थित त्रुटि का प्रसरण जानना पर्याप्त होगा। अर्थात हम y को लिख सकते हैं y बराबर है a y का मध्यमान जमा w, जहां w मुख्यतः बराबर है 1/n जोड़ i बराबर 1 से n vi। यह y में उपस्थित त्रुटि है, यह तो एक निर्धारणात्मक संख्या है। यदि हम y का प्रसरण जानना चाहते हैं तो हमें इस W का प्रसरण ज्ञात करना होगा। W का प्रसरण ज्ञात करने के लिए यह सरल है कि W का मध्यमान शून्य होगा, इसे हम चर्चा से हटा देते हैं पहले ही। अब W का प्रसरण ज्ञात करने के लिए, क्योंकि W का मध्यमान शून्य है इसीलिए W का प्रसरण बराबर है W का वर्ग मध्यमान बराबर है n जोड़ i 1 से n वर्ग मध्यम। यह अब इसे लिखते हुए हम लिख सकते हैं n वर्ग जोड़ i 1 से n vi j 1 से n vi vj। इसे हम लिख सकते हैं यह, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब i बराबर 1 से n j बराबर 1 से n हमें यह ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे सामने दो स्थितियां होंगी, एक जब i और j बराबर हैं, एक जब i और j बराबर नहीं है। जब i और j बराबर हैं तब हम तब यह vi का वर्ग हो जाएगा, अर्थात और वह केवल हर i के लिए i और j केवल एक ही स्थिति में बराबर होंगे। इसलिए i बराबर है 1 से n vi वर्ग जमा जोड़ i बराबर है 1 से n j बराबर है 1 से n j i के बराबर नहीं है vi vj। इसका प्रत्याशित मान लेते हुए हम देख सकते हैं 1 से n वर्ग जोड़ यह बराबर है, यह बराबर है, यह। इसी प्रकार दूसरे भाग का प्रत्याशित मान लेते हुए i j j i के बराबर नहीं है vi vj। अब हमने पहले चरण में अथवा हमने यह माना है कि यह परीक्षण अथवा यह माप स्वतंत्र एवं समरस बंटित हैं, अर्थात vi एवं vj स्वतंत्र हैं, अर्थात यह बराबर होगा जोड़ i j j नहीं i vi vj शून्य। अर्थात प्रसरण w बराबर है 1/n वर्ग n सिग्मा वर्ग σ² / n, अर्थात सिग्मा वर्ग प्रसरण के n मापों का औसत करने पर कुल प्रसरण σ² / n होगा। अर्थात हम हमारे पास उपस्थित यंत्रों का प्रयोग करके बेहतर प्रसरण प्राप्त कर सकते हैं, एवं हम हमारे द्वारा यंत्रों का प्रयोग बार बार करके अपने माप की परिशुद्धि बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।